हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना एक यूनिट स्टार्ट किया था, डेट इज मनी एंड बैंकिंग। तो हम ऑलरेडी इसमें तीन वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। पहला पार्ट था हमारा मनी, दूसरा पार्ट था हमारा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, नेक्स्ट था हमारा पार्ट क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आज का जो हमारी वीडियो है वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूट, एक सुप्रीम बॉडी है पूरे किसकी, जो हमारा का क्या है, बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम की क्या है, एक सुपर पावर है इसके पास। ओके, इसके पास पूरी सुप्रीम पावर है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक है, इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, प्लेज अ लीडिंग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करता है हर एक चीज को, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, मनी सप्लाई को सुपरवाइज करता है सारे के सारे बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एंड डेवलपिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, डेवलप करता है। कौन? सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पर क्या है, फेडरल बैंक। तो हर कंट्री का अपना एक अलग अलग क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है। हमारे कंट्री के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक ही होता है। तो इसीलिए बोलते हैं इनको सुप्रीम, सोल अथॉरिटी, इनके पास क्या है, सोल पावर है। ये अकेले हैं, ये सिंगल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज क्या है, इंडिया का आरबीआई है, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यूएसए का क्या है, फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कि कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक। सबसे पहला है मोनोपोली ओवर नोट इश्यू। अब मोनोपोली ओवर नोट इश्यू का मतलब क्या है, कि आरबीआई के पास एक सोल पावर है टू इश्यू और प्रिंट द करेंसी नोट। ओके, कहां से कहां तक के नोट इश्यू कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, रुपीज टू, दो रुपए के नोट से लेकर कहां तक, 2000 रुपए के नोट तक को कौन इश्यू और प्रिंट कर सकता है, आरबीआई। ओके, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइंस, 1 रुपए के नोट को छोड़कर और कॉइंस को छोड़कर सारे के सारी करेंसी को प्रिंट और इश्यू कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ठीक है, बैंकर्स बैंक क्या है, बैंकों का ये बैंक है। एडवाइजर एंड बैंकर टू दी गवर्नमेंट, बैंक का क्या है, एडवाइजर है और क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, एडवाइजर है और क्या है, बैंकर है। ओके, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, हां सर, इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में देख सुना था, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। और क्रिएट क्रेडिट कौन करता है, कमर्शियल बैंक। तो मैंने आपको बताया था सेंट्रल बैंक पप्पा है और जो कमर्शियल बैंक है वो बच्चा है। अगर बच्चा बिगड़ जाता है, पैसे ज्यादा खर्च करता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, पप्पा जी क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास अभी हमने देखा था मोनोपोली ओवर नोट इश्यू, मोनोपोली ओवर नोट इश्यू। तो मोनोपोली पार सिर्फ किसके पास है, ये सेंट्रल बैंक के पास है, टू इश्यू और प्रिंट द करेंसी नोट फ्रॉम रुपीज टू टू रुपीज 2000 नोट, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। तो गिव द सोल मोनोपोली ऑफ इश्यूइंग द करेंसी, इसके पास क्या है कि एक सोल मोनोपोली है। दीज नोट सर्कुलेट थ्रू आउट द कंट्री एज अ लीगल टेंडर, ये क्या है, ये जो नोट है ये क्या है, क्या है, सर्कुलेट होते हैं पूरे एंटायर इकोनॉमी में एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है, इनकी अपनी वैल्यू है। ठीक है, कोई भी इनको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, नो वन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट इट, कोई भी इनको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। रीजंस, रीजंस क्या है, ओके, रीजन क्या है, रीजन क्या है, ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। देखो, ओके, सोल अथॉरिटी सेंट्रल बैंक को सोल अथॉरिटी क्यों दी गई, ओके, अगर सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी नहीं होती तो हमारे यहां जो करेंसी नोट है, ठीक है, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। कोई गांधी जी जगह किसी और का फोटो लगा, हर कोई अपनी मर्जी से, पता चला अपना ही फोटो हर बैंक ने, अपने मैनेजर का, अपने जो भी उनका प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है, उसके फोटोज लगाना शुरू कर दिए, इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द एंटायर इकोनॉमी, तो हमने क्या करा, एक ही सोल अथॉरिटी दी, वो भी किसको, सेंट्रल बैंक को। नेक्स्ट है, गिव्स अ सेंट्रल बैंक सम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई, तो डायरेक्ट कंट्रोल किसको दे दिया हमने, सेंट्रल बैंक को दे दिया कि आप ही इसको क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये क्या है, गवर्नमेंट का बैंकर और क्या है, एडवाइजर है। ये कैसे काम करता है, बैंक एक्ट एज एन एजेंट, ये जो सेंट्रल बैंक है किसकी तरह काम करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है। सेल्स एंड बाइज फॉरेन करेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो फॉरेन करेंसीज है उनको क्या करेगा, सेल करेगा और क्या करेगा, बाय करेगा। इश्यू न्यू लोन्स एटसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करेगा, न्यू लोन्स को क्या करेगा, इशूड करेगा।
एज अ एडवाइजर, एडवाइजर एडवाइजरी है ये, एडवाइजर देता है किसको, बैंक्स को भी देता है, गवर्नमेंट को भी देता है। तो एडवाइस टू दी गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल मॉनिटरी मैटर्स एंड वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज, के जो नई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आएंगी हमारे इकोनॉमी में या जो भी हमारी फाइनेंशियल और मॉनिटरी मैटर्स हैं उनको क्या करता है, उनके लिए एडवाइस करता है। जैसे GDP लो चली जाए या कभी बहुत ज़्यादा रिसेशन आ जाए या बहुत ज़्यादा हमारे पास डिप्रेशन पीरियड आ जाए या इन्फ्लेशन पीरियड आ जाए, तो इसमें कौन हेल्प करता है, हमारी कौन हेल्प करता है, दैट इज सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट बैंकर टू दी गवर्नमेंट, तो रिसीव द डिपॉजिट्स ऑफ कैश चेक्स एटसेट्रा फ्रॉम दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, किस फॉर्म में करता है, वो कैश हो सकता है, चेक्स हो सकते हैं और ड्राफ्ट हो सकते हैं। एक्सटेंड्स लोन, ओके, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू दी गवर्नमेंट बाय प्रिंटिंग मनी अगेंस्ट इट सिक्योरिटी बिल्स टू फाइनेंस गवर्नमेंट डेफिसिट। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक, तो मेंटेन्स डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ओके, कमर्शियल बैंक में देखा था कि उनके डिपॉजिट्स को कौन मेंटेन कर रहा था, कौन मेंटेन करता था, सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स को कौन मेंटेन करता है, यही हमारा सेंट्रल बैंक, ओके। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑल बैंक्स एंड रेगुलेट्स देयर एक्टिविटीज, क्या करता है, जो भी कमर्शियल बैंक है उनको क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है उनके फाइनेंशियल मैटर्स में, ओके, बताता है, सारी की सारी गाइडलाइंस देता है। एज अ सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर भी है, बैंक लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट रिलेटेड टू अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन, पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स, ओके, क्या करता है, उनको सुपरवाइज करता है, देख रेख करता है, ओके, आपके एक्सपेंशन को, ओके, पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक, जो भी आपके कमर्शियल बैंक है उनका पीरियडिक क्या होता है, टाइमली क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है। तो कौन करता है इसको सुपरवाइज, किसके सुपरविजन में होता है सारा का सारा काम, सेंट्रल बैंक के सुपरविजन में होता है। रिलेटेड टू अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन, ओके, किसी का अमलगमेशन हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, मतलब दो कंपनीज आपस में मिल रही है लेकिन एक कंपनी पूरी क्या हो रही है या एक बैंक क्या हो रही है, पूरी की पूरी खत्म हो रही है। तो लीगल मैटर्स में, ये फाइनेंशियल मैटर्स में कौन सुपरवाइज करता है, कौन है, सेंट्रल बैंक, कौन है, सेंट्रल बैंक, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो नाम से पता चल रहा है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर नेट टोटल लाइबिलिटीज द CRR विद द सेंट्रल बैंक। इन एडिशन टू दिस बैंक, बैंक होल्ड्स एक्सेस रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक टू मीट एनी क्लियरिंग ड्यू टू सेटलमेंट विद अदर बैंक्स। द सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक कैन बी यूज्ड मेक एडवांसेस टू बैंक इफ टेम्पररली इन नीड ऑफ फंड्स एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट इफ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, अगर कमर्शियल बैंक कहीं फेल हो जाए, अगर कमर्शियल बैंक क्या हो रहा है, कहीं फेल हो रहा है, किस चीज के लिए, कि वो क्या नहीं कर पा रहा भाई, उसको कहीं और से पैसा नहीं मिल पा रहा, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी जगह से उसके पास पैसा नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब वो किसके पास जा सकता है, सेंट्रल बैंक के पास जा सकता है, इसलिए बोला गया लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, के बिल्कुल लास्ट में हम किसके पास जा सकते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। इट अप्रोचेस द सेंट्रल बैंक, किसके पास पहुंच जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास एज अ लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक एडवांस लोन टू सच बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उनको क्या कर देगा, लोन अप्रूव्ड कर देगा, लेकिन उनसे क्या लेगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज अपने पास रखेगा, इसलिए बोला गया लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ओके, जब कमर्शियल बैंक के पास कोई भी चांसेस नहीं होते कहीं से पैसा आने के, तो वो लास्ट में किसके पास चला जाता है, सेंट्रल बैंक के पास। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस ऑफ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट, क्लियरिंग हाउस ऑफ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट, क्लियर एंड सेटल क्लेम्स, ओके, क्लियर एंड सेटल क्लेम्स। तो ये क्या है, RBI क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेटल करता है किसको, क्लेम्स को, बिटवीन कमर्शियल बैंक्स रिलेटेड टू चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स बाय मेकिंग ट्रांसफर एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स। ओके, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कौन परफॉर्म करती है, सेंट्रल बैंक परफॉर्म करती है। सो स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। ओके, सेपरेट वीडियो बनाने का मतलब क्या, इसमें एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के टाइम, डिफ्लेशन के टाइम, इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना के दूंगा स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट कौन सा, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, उसके लिए मैंने बताया आपको, सेपरेट वीडियो बताएंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और अपने नोट्स को प्रॉपरली बनाएं स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास देखो टाइम पीरियड बहुत कम है, कुछ बच्चों ने बहुत लेट स्टडी ज्वाइन किया है, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली कि अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे तो आप शॉर्ट टाइम में उन सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं, इसलिए अपने अपने हाथ से खुद ही अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको उसमें ज्यादा हेल्पफुल रहे। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।